और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राज ठाकरे की समर्थकों से बड़ी अपील, अक्षय तृतीया के मौके पर लोग आरती ना करें, जो समर्थक हैं उनके वो आरती ना करें। ये राज ठाकरे ने अपील की अपने समर्थकों से। दरअसल कल ईद भी है और इसी मौके पर अक्षय तृतीया भी है। राज ठाकरे के समर्थक महाआरती करने जा रहे थे और ऐसे में राज ठाकरे ने अपील की है कि कल जो है महाआरती ना करें, क्योंकि लाउडस्पीकर का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वो धर्म के आधार पर नहीं, वो समाज के आधार पर उठाया था, वो धार्मिक मसला नहीं, वो सामाजिक मसला है, वो नॉइस पॉल्यूशन का मसला था, धर्म का नहीं। तो राज ठाकरे ने इस वक्त एक बड़ी अपील की अपने समर्थकों से, अक्षय तृतीया के मौके पर उनके समर्थक आरती ना उतारे। मराठी में ये ट्वीट उन्होंने जो किया है ये आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने अपील की है कि कल शाम को जो आरती की जानी थी अक्षय तृतीया के मौके पर वो आरती ना की जाए। राज ठाकरे के जो बेटे हैं वो भी कल महाआरती करने वाले थे और अब उम्मीद यही की जा रही है कि शायद इस ट्वीट के बाद एमएनएस के कार्यकर्ता, राज ठाकरे के सपोर्टर्स, उनके बेटे अक्षय तृतीया के मौके पर विरोध स्वरूप आरती नहीं करेंगे। तो अक्षय तृतीया पर आरती न करने की अपील राज ठाकरे ने की है। इससे पहले कल औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे ने कहा कि 3 मई को ईद है, 4 मई को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, लाउडस्पीकर नहीं हटे तो 4 मई से आजान से डबल आवाज में हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे। 3 तारखेला ईद है, 4 तारखेपर्यंत मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही, 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। लाउडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे, आणि लाउडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही, परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाउडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत। तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाज आहे तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? तो राज ठाकरे के भाषण पर उद्धव सरकार एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि राज के भाषण पर कल सुबह तक पुलिस कमिश्नर को एक रिपोर्ट सौंपनी है। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर भाषण पर रिपोर्ट सौंपेंगे और अफसरों के साथ भाषण सुना जा रहा है। लाउडस्पीकर पर छिड़े संग्राम के बीच राज ठाकरे की मुसीबत बढ़ाने वाली है यह खबर। दरअसल औरंगाबाद में दिए गए राज ठाकरे के भाषण पर उद्धव सरकार एक्शन ले सकती है। राज ठाकरे के भाषण पर कल सुबह तक औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पुलिस कमिश्नर अपने अफसरों के साथ राज ठाकरे का पूरा भाषण भी सुन रहे हैं और भाषण की जांच के बाद वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। राज ठाकरे के भाषण पर सरकार कानूनी सलाह लेगी और आपत्तिजनक या भड़काऊ भाषण होने पर राज ठाकरे को नोटिस भेजा जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। राज ठाकरे की रैली पर मुंबई में भी एक्शन तेज हो गया है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर उद्धव सरकार एक्शन में आ गई है। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर न हटने पर 4 मई से हनुमान चालीसा आंदोलन की चेतावनी दी थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने इस मामले में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मंगलवार को यह बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में गृह विभाग और पुलिस के सीनियर अफसर शामिल होंगे।
बैठक में राज ठाकरे के औरंगाबाद में दिए गए भाषण पर चर्चा की जाएगी और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपायों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले में राज ठाकरे ने कल अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। औरंगाबाद में उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। उद्धव सरकार ने 16 शर्तों के साथ इस रैली को मंजूरी दी थी और भड़काऊ बातें न कहने का फरमान दिया था, लेकिन राज ठाकरे ने कल खुलेआम लाउडस्पीकर के खिलाफ हल्ला बोला और आज उनके समर्थकों ने मुंबई में एक पोस्टर लगा दिया है जिसमें राज ठाकरे के साथ अयोध्या चलने की अपील आम जनता से की गई है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, पिछले एक दिन का जो बिल्डअप है महाराष्ट्र में, ये उथल पुथल जो मची हुई है ये अब सरकार के लिए भी चिंता बढ़ा रही है। तो मीटिंगों का दौर शुरू होने वाला है। औरंगाबाद में हुए राज ठाकरे के भाषण के बाद अब आज एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है औरंगाबाद में। तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय द्वारा कर बैठक बुलाई गई है, मीटिंग बुलाई गई है मुंबई में, जिसमें ये चर्चा की जाएगी कि कैसे कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और जो अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया है कि 4 मई तक यानी ईद के बाद मस्जिदों से अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरते तो डबल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उद्धव सरकार राज ठाकरे पर एक्शन लेने की तैयारी में है। जवाब में राज ठाकरे की पार्टी ने मुंबई में पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। इन पोस्टर में लोगों से अयोध्या चलने की अपील की जा रही है। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं और अब मुंबई में पोस्टर लगाकर राज ठाकरे के साथ अयोध्या दौरे पर चलने की अपील की जा रही है। ये पोस्टर मुंबई के कई इलाकों में लगाए गए हैं। राज ठाकरे के पोस्टर के साथ साथ मुंबई की सड़कों पर अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर भी लगाई गई है। मंदिर की रेप्लिका दिखाकर लोगों से अयोध्या चलने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा हिंदू चेहरा बनने की कोशिश में लगे राज ठाकरे ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर के खिलाफ हल्ला भी बोला है और अब वो अपने समर्थकों के साथ अयोध्या कूच करने वाले हैं। राज ठाकरे के पोस्टर पर मराठी में क्या क्या लिखा है आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रविवार के दिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो महारैली होने वाली थी, राज ठाकरे ने उसमें क्लियर कर दिया कि 3 तारीख का उनका जो लाउडस्पीकर को लेकर मस्जिदों पर अल्टीमेटम है वो उस पर कायम है। 3 तारीख यानी कल के दिन ईद तक वो शांत रहेंगे, लेकिन 4 तारीख से उन्होंने सभी से अपील की है कि मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा दुगनी आवाज़ में पढ़ना शुरू करें और उसके अलावा अब सबकी निगाहें उनके जो प्रस्तावित अयोध्या यात्रा है उसके बारे में पोस्टर शहर के अलग अलग कोनों में लगने शुरू हो गए। हम मुंबई के CST के सामने खड़े हैं जो मुंबई का सबसे प्राइम लोकेशन एरिया कहा जाता है। वहां पर आप देखें इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं अलग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।